हेलो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब में काम कर रहे हो, यूट्यूब में काम करके आप अर्निंग जनरेट कर रहे हो और एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग जनरेट करना चाहते हो, तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसा कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ जो टॉपिक्स में आपको समझना चाहिए, समझ के आपको जो वीडियोस में अभी कमा रहे हो उससे 3 डबल अपने दूसरे वीडियो से कमा सकते हो दूसरे कंट्रीज से। सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्लू वेल में आपका स्वागत है। टेक्निकल ब्लू वेल में मैं हर एक चीज़ का वीडियोस लेके आता हूँ, हर एक चीज़ का टॉपिक्स क्लियर करता हूँ, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक और सॉफ्टवेयर से लेके यूट्यूब तक। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक चैनल बनाए हो, चैनल बना के आप अर्निंग भी जनरेट कर रहे हो, अर्निंग जनरेट करके समझो आप एक कुछ अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कमा के अच्छा चैनल भी मोनेटाइज है आपका और अच्छा एक सेटअप है आपका। अभी आप सोच रहे हो कि इसमें से तो मेरा अर्निंग थोड़ा बहुत आ रहा है, अभी दूसरा क्या कौन सा चैनल मैं ओपन करूँ, कौन सा चैनल पर मैं काम करूँ ताकि साइड बाई साइड उससे भी मेरे को थोड़ा पैसा आ जाए। तो अभी जो चैनल खोलोगे आप, चैनल खोलने के लिए आपको आइडियाज़ चाहिए, आपको अच्छा नीच चाहिए, कौन से नीच चल रहे हैं अपने अलग अलग कंट्रीज़ में। ऐसा नहीं कि आप जो भी वीडियोस बना रहे हो वो वीडियो सिर्फ इंडियंस लोग देखें, ऐसा वीडियोस बनाओ जो बाहर के लोग भी देखें ताकि बाहर के जो लोग आकर आपके वीडियोज़ देखते तो उसमें से CPC और उसके जो व्यूज़ में जो डॉलर जनरेट होता है उसमें ज़्यादा जनरेट होता है अपना इंडियन के मुकाबले। तो अगर आप 1000 व्यूज़ पे अगर $1 मिल रहा है तो अलग वीडियोज़ जो बनाओगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलेगा उसमें आपको 1000 व्यूज पे $5, $7, $6, $4 डिपेंड करते हैं कौन से कंट्रीज पे वो वीडियोस रन कर रहे हैं, कौन से कंट्रीज पे वो वीडियोस चल रहे हैं। तो आप ट्राई करोगे कि कौन सा नीश को आपको समझना है, नीश अच्छा अच्छा नीश है अपना, इंग्लिश में भी आप अच्छा बना सकते हो क्योंकि अभी AI का जनरेशन चल रहा है, AI का टाइम चल रहा है जिससे आप हर एक कंटेंट बना सकते हो A to Z। कौन सा कंटेंट सिर्फ आपको अपने दिमाग में सोचना है कि मुझे ये कंटेंट बनाना है। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस बनाना है, इंग्लिश में मोटिवेशनल वीडियोस बनाना है और इंग्लिश कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल सकता है और इंग्लिश वीडियोस सब जगह पे रन हो सकता है, तो आप इंग्लिश में भी कुछ वीडियोस बना सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस बना के अपने चैनल पे लोड कर सकते हो जिससे आपको धीरे धीरे अपने चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और अलग अलग कंट्रीज़ में वो वीडियोस देखेंगे। क्योंकि इंग्लिश हर एक कंट्री में चलता है। अगर आपको दूसरा लैंग्वेज बनाना है तो AI का बहुत सारे टूल्स है जो आपका जो वॉइस है, आपका जो लैंग्वेज वो चेंज कर देता है। YouTube में सर्च करो कि कौन सा जनरेशन में कौन सा मेरे को लैंग्वेज में मुझे वीडियोस बनाना है और कौन सा टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनाना है, कौन सा लैंग्वेज कन्वर्ट करना है, किस तरह से। आपको हर एक वीडियोस YouTube में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपके लिए उस वेबसाइट या कौन से साइट से वो सब चीज़ बनता है, कौन से साइट से वो सब चीज़ बनाया जाता है, लैंग्वेज कन्वर्ट करते या स्क्रिप्टिंग निकाला जाता है, वो सब वेबसाइट में आपके लिए लेके आऊँगा। बट अभी आप सोच रहे हो कि हर एक चीज़ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, हर एक चीज़ तो मैं अपने आप से नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा नहीं कि आप रेगुलर आप अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते जाओ। अपना वीडियोस अपलोड करोगे तो सब क्लैश हो जाएगा ना, अपना नॉर्मल चैनल पे वीडियोस दे पाओगे ना दूसरा जो नया चैनल खोले उस पर वीडियोस दे पाओगे। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि जो नया चैनल खोलोगे ना उसको एक टाइमिंग पीरियड सेट करो कि हफ्ते में 2 वीडियो नहीं तो हफ्ते में 1 वीडियो में अच्छा बनाओ ताकि वो वीडियोस अच्छे से चले और उस वीडियोस में जो भी मेरा हफ्ते का मेहनत किया है ना वो वीडियो से रिटर्न आ जाए। तो आप ट्राई करोगे उस वीडियो को बनाने के लिए जो वीडियोस आप बनाना चाहते हो। अभी नीच तो हर एक जगह पे मिल जाएगा, नीच तो हर एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, कौन से नीच पे आपको काम करना है, कौन से फुटेज पे आपको काम करना है और कौन से तरीके से आपको काम करना है डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका स्किल कितना अच्छा है और स्किल के दम पे आप कितना अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकते हो। तो आप कंटेंट बनाओ, कंटेंट बना के आप ट्राई करो खुद पे और ट्राई करने के बाद अपने दोस्तों को दिखाओ कि ये इंग्लिश कैसा है, इस कंटेंट को मैं बनाया हूँ कितना अच्छा है, कंटेंट दिख रहा है, तो उनसे ओपिनियन लो। उनसे ओपिनियन लेने के बाद फिर अपने जो चैनल है चैनल का अच्छा सा नाम चॉइस करो, अच्छा सा नाम चॉइस करके फिर चैनल पे लोड करो। जैसे जैसे चैनल पे लोड करते जाओगे, जैसे जैसे कंटेंट आप बनाते जाओगे ना तो आपको आदत होते जाएगा, आपको और दिमाग खुलते जाएगा और आपको और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा कि कैसे कैसे मैं और टॉपिक बनाऊँगा और चैनल बनाऊँ। क्योंकि आपको पता है क्या कि हकीकत क्या होता है यूट्यूब के पीछे, हकीकत में कौन कितना चैनल बना के अपने यूट्यूब से अर्निंग जनरेट कर रहा है। तो आप भी ट्राई करो, आप भी एक चैनल के ऊपर भरोसा मत रहो, बाई चांस आपका ऐसा भी ना हो कि आपका एक चैनल डिलीट हो जाए फिर आप क्या करोगे। तो आपको साइमल्टेनियस एक दूसरा भी चैनल बनाओ, दूसरे भी चैनल पे और ऐसा चैनल बनाओ जो चैनल पूरा सब लोग देख सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए और नहीं तो मल्टी लैंग्वेज नहीं है तो ऐसा कुछ टॉपिक बनाओ, ऐसा कुछ मोशंस में काम करो जिससे लोग देख के हंसे, लोग देख के उसमें मजा ले और लोग देख के उसको एकदम थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए।
तो कैसे कि हर एक जगह वो वीडियो चल सकता है, उसमें ना वॉइस ओवर है ना कुछ इंग्लिश है ना कुछ, सो एंड सो है। तो आप जो भी वीडियोस बनाओगे ना, तो आप अपने ऊपर ट्राई करो पहले कि मैं क्या बना सकता हूँ, मैं क्या दिखा सकता हूँ, और मैं करके सामने वाले को हंसा सकता हूँ, रुला सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप उस चीज़ को मेहनत पे गौर करो, आप उस चीज़ पे समझो और उस चीज़ पे फोकस करके एक ऐसा चैनल बनाओ जो हर एक कंट्री में वो चैनल चल सके, ताकि आपका जो अर्निंग, जो आज जो 100 रुपये कमा रहे थे, कल 1000 रुपये कमाओगे, कल 1000 रुपये कमाओगे तो परसों जाके 10000 रुपये कमाओगे। डिपेंड करते हैं आपके स्किल के ऊपर, डिपेंड करते हैं आप क्या नीश पे काम करोगे, डिपेंड करते हैं आपका जो भी नीश आप सर्च किए वो नीश कितना हाई रैंक पे है। तो आप ये सब चीज़ समझो, ये सब चीज़ आप ट्राई करो। ट्राई करने के बाद अगर फेल हो जाता तो कोई बात नहीं, आपका चैनल नॉर्मल चैनल तो चल ही रहा है, बट आप एक ट्राई करो कि अलग एक चैनल बनाने के लिए और उसमें से भी पैसा कमाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो में आपको कितना सीखने मिला और कितना समझने मिला जरूर कमेंट करके बताना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं रेगुलर कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेके आता हूँ, हार्डवेयर रिलेटेड, नहीं तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, नहीं तो यूट्यूब टेक रिलेटेड, क्योंकि एक चैनल पे आपको हर एक वीडियोज़ मिल जाएगा देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।